अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी। रूसी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के बाद इंडियन मीडिया ने मुसलसल ये खबरें चलाईं कि पाकिस्तान रूस से SU-35 लड़ाका तैयारों के अलावा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। इंडियन मीडिया ने यहां तक भी दावा किया था कि रूस ने पाकिस्तान को ब्लैंक चेक दे दिया है, मतलब पाकिस्तान जब चाहे जिस तरह के हथियार चाहे रूस से मंगवा सकता है। इसके बाद एक बहस छिड़ गई कि आखिर पाकिस्तान रूस से कौन से हथियार खरीदेगा। इस बहस पर BBC ने आर्टिकल छापते हुए कहा है, पाकिस्तान इस चीज को 2016 में वाजिया कर चुका है कि वो रूस से लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और डबल इंजन लड़ाका तैयारी खरीदने की ख्वाहिश रखता है, मगर अमेरिका की पॉलिसी की बदौलत ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। 2019 में चीन की मदद से पाकिस्तान और रूस एक दूसरे के करीब आए और इसी दौरान चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में दोनों ममालिक के सफीर के दरमियान काफी बातचीत हुई और 2021 में रूसी सफीर का दौरा पाकिस्तान इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि CPEC के अलावा भी पाकिस्तान और रूस के दरमियान बड़े बड़े मुहिदों पर दस्तखत हो चुके हैं। आज इसी हवाले से BBC ने एक इंकशाफ किया है जो काफी चौंका देने वाला है। नाज़रीन गिरामी, BBC ने दावा किया है पाकिस्तान और रूस के दरमियान CU-35 लड़ाका तैयारों की डील हो चुकी है। इस डील के तहत रूस पाकिस्तान को 36 लड़ाका तैयारे देगा। इसके अलावा पाकिस्तान लॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है, लेकिन इस हवाले अभी तक कोई तफसील सामने नहीं आई है। जहाँ तक बात SU-35 लड़ाका तैयारों की है तो इस हवाले से रूसी अखबार भी दावा कर चुका है कि रूस पाकिस्तान को SU-35 लड़ाका तैयारी देने के लिए राजी हो गए।